भाई हमारी बारी, हम चलेंगे अंदर। ऑल राइट, सो हे गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं महेंद्रगिरी, जो होता है कि हमारे ईस्टर्न घाट का सबसे बड़ा माउंटेन। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, तो मैं आप सबको वीडियो के बारे में सब कुछ बता दूंगा, जहां जा रहा हूं उसके बारे में, उस रोड के बारे में सब कुछ बता दूंगा। और तुम लोग देख सकते हो जो हमारा अभी अपाची वो रेडी हो चुके हैं, वो KTM और ये पल्सर, हम सब जा रहे हैं मिलके। तो बाकी सब मैं आपको वीडियो में पूरा बता दूंगा। तो गाइस, बीच में हम लोग रुकेंगे पेट्रोल भरवाने के लिए। मुंगेरी कितने भरवाएंगे? वहाँ से 70। ये KTM ना ज़्यादा खा रही है वो पेट्रोल, इसका माइलेज तो यार, अगर KTM लोगे तो भिखारी बन जाओगे यार। ये अपाची नहीं आए, ये शायद अच्छा माइलेज देगा, ये भी नया बाइक है, ये शायद अच्छा माइलेज देगा, लेकिन वो KTM भाई, KTM मत खरीदना कभी भी। ये मेरा दोस्त बोसड़ पप्पू। हाय फ्रेंड्स, भाई नू मेरा फ्रेंड है, उसका नाम भी सुजीत, मेरा नाम भी सुजीत है। नू कह रहे भाई एक काम कर, तू अपना नाम मेरे पे रख दे, मैं अपना नाम तेरे पे रख दूँ। ये मेरा और एक दोस्त, ज़्यादातर इसको मैं बेटा बोलता हूँ, लेकिन ये मेरा अच्छा दोस्त है। तो गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट अभी ख़त्म हो गया, अब हम निकल रहे हैं फिर से अपने सफ़र के। ब्रेकफास्ट ख़त्म, चल रहे हैं। गाइस, तुम लोग देख सकते हो हम जा रहे हैं महेंद्रगिरी। अब ये बीच में आ रही है कौन सा ब्रिज है? हल्दिया बदर, परमपुर, यहाँ पर परमपुर में हल्दिया बदर ब्रिज है, तो बीच में आ रहे। तो बाकी के इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको देता रहूँगा, जैसे जैसे चलता रहूँगा वैसे वैसे देता रहूँगा बाकी के इन्फॉर्मेशन। हम बीच में थोड़ा रुके थे यहाँ पर महेंद्रगिरी जाने के बीच में, रास्ते में वो एक नदी आता है तो देखने के लिए हम लोग यहाँ पर रुक गए थोड़ा। देखिए पीछे मेरा दोस्त है और वहाँ पर भी मेरे दोस्त हैं, तो मैं पूरे नदी का व्यू आप लोगों को दिखा दूँगा। देखो मतलब बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आए हैं, देखो नज़ारा बहुत काफ़ी बहुत बढ़िया है, तुम लोग देख सकते हो, मतलब शांति है यहाँ। देख सकते हो वहाँ पर झरना है, तो नदी वो पहाड़ से वो झरना आ रही है यहाँ से पूरा बहकर। वहाँ पर भी मतलब हमारे जैसे कुछ लोग टूरिस्ट आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, तो वहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हैं, जूम करके दिखा देता हूँ। देखो यार नज़ारा तो खूबसूरत ही है। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये जो झरना है, वो नदी है ना, वो उधर से आ रही है। शायद इतना ही जूम है मेरे आईफोन में, तो आप देख सकते हो उधर से पानी आ रही है, उधर से यहाँ तक। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़ारा दिखा रहा हूँ, इधर बच्चे भी नहा रहे थे। अरे ये सब पैंट पहन गए यार। गाइस यहाँ पर बहुत लेट हो गया, यहाँ पर 2 घंटे फोटो शूट किए हमने अब। अरे भाई 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 भाई, 2 घंटे फोटो शूट किए, अब महेंद्रगिरी की ओर चल रहे हैं। हाय कर दे यार। ओ भाई भाई साहब, क्या नज़ारा है, देखो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। थोड़ी मतलब अच्छी रोड आए थे और फिर से शुरू हो जाएंगे बुरे रोड, शायद थोड़ा तो अच्छी रोड आया यार। थोड़े तो राहत मिला हमें, अच्छा रोड आया, वरना जाने आने में जो दिक्कत होता है साहब, खतरनाक, मतलब कटाई जहर। हमें ग्राई का डायलॉग याद आ गया। देखो यार पहाड़ चढ़ते रहो, नदी झरना देखते रहो, मतलब बिस्किट खाओ पानी पियो, बिस्किट खाओ पानी पियो। भाई साहब मतलब इतना ख़राब रोड क्या ही, मतलब वहाँ पर रोड भी नहीं है, वो पत्थर में आना पड़ा हमें।
देखो यार बहुत ही खराब रोड है, लेकिन नज़ारा बहुत अच्छा है वहाँ पर। ऊपर भी लोग होते हैं, देखो यार बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं ना, हम शायद अभी 2,000-3,000 फुट ऊपर हैं। अगर ज़्यादा ऊपर हो गए तो कान में और ब्रीदिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कान में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे देखो लोग मतलब फार्मिंग भी कर रहे हैं लोग, यहाँ नज़ारा बहुत अच्छा है। इसे हमारे उड़ीसा में बोलते हैं पोड़ू चासो, मतलब पोड़ू फार्मिंग, हिंदी का नाम हिंदी में उसे क्या बोलते पता नहीं, लेकिन उड़िया में बोलते हैं पोड़ू, इसलिए पोड़ू ही बोल दिया, समझ लेना यार। उधर भी पोड़ू फार्मिंग हो रहा है, लोग वहाँ पर रह रहे हैं। गाइस देख सकते हो मैं जो मास्क लगा के रखा हूँ, पीछे मेरा दोस्त आ रहा है आशुतोष। ऊपर से शायद वो सूख गई है यार, गाड़ी हमारे चढ़ नहीं रहा है, एक गियर से ज़्यादा नहीं हो रहा है अभी। बट तुम अगर यहाँ पर चलोगे तो एक ही गियर में चलेगा, दो भी नहीं चलेगा यहाँ पर अच्छे से। ये KTM है इसमें थोड़ा मतलब चढ़ाई कर रहा है। बाकी देखो यार लोग वहाँ पर फार्मिंग भी कर रहे हैं, ऊपर देख सकते हो वो ग्रीन वाला पार्ट वो फार्मिंग का है। भाई देखो कैसे मतलब किस टाइप के ड्राइव एरिया में फार्मिंग हो रहा है, तुम लोग देख सकते हो। और नदी से पानी भी आ रहा है, मतलब कटाई जहर यार। पर यहाँ जो सुकून है कहीं भी नहीं है यार। भाई साहब क्या ही नज़ारा है यार, भाई 3,000-4,000 फुट ऊपर ही तो होंगे हम। तभी तो बोला जाता है ईस्टर्न घाट का सबसे बड़ा पर्वत। भाई बहुत ठंड बढ़ने लगी है यहाँ पर, ठंड बढ़ने लगी है, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत ठंड लग रही है अभी। भाई साहब तुम साथ हो या ना हो, क्या बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द। यार क्या गाना गा दिया, मुझे याद नहीं, मतलब मुझे आता नहीं ऐसे थोड़ा ही आता है। चलो एंजॉय कर लो तुम लोग भी। भाई ये मेरा फास्ट ब्लॉग है ना, तो थोड़ा मतलब प्यार देना यार जो भी बोल रहा हूँ देखना, क्योंकि अगर तुम भी आना चाहते हो उड़ीसा की महेंद्रगिरी तो आ सकते हो। मैं थोड़ा बस तुम्हें मतलब डिस्क्राइब कर रहा हूँ रोड कैसा है, यहाँ की जगह कैसे हैं, यहाँ के ड्राइव एरिया कैसे हैं, यहाँ के फार्मर्स कैसे फार्मिंग करते हैं, ये सब बता रहा हूँ। मेरा फास्ट ब्लॉग है तो थोड़ा यार प्यार दिखाना यार प्लीज। कोई तू परवाना कर मुस्कुराते हुए रिटना, क्या कल क्या हो किसने जाना। भाई क्या ही फीलिंग है यार, मतलब तो गाइस देख सकते हो यहाँ से महेंद्रगिरी का सफ़र शुरू होता है। हम लोग अभी जाएंगे, हमारे दोस्त आने वाले हैं, अभी मेरे वो दोस्त पल्सर में और KTM में आ चुके हैं, और जब मेरा अगले दोस्त आएंगे तो हम लोग मिलके जाएंगे। यहाँ से शुरू होता है, क्या लिखा है गुरुखत, यहाँ पर उड़िया में लिखा है गुरुखत, गुरुखत का घाटी है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है महेंद्रगिरी, उड़िया में लिखा है महेंद्रगिरी। यहाँ से 7 किलोमीटर है, तो यहाँ से शुरू होता है महेंद्रगिरी का सफ़र। तो भाई जो बोलते हैं ना मंजिल मौत है सफर की मजा लो यार, ये सही प्रूफ हो गया यार। देखो सब देख सकते होंगे वो जो पूरा टॉप है ना, उधर जाना है हमें, अभी ये सब क्रॉस करके जाना है। फाइनली हम आ चुके हैं महेंद्रगिरी की टॉप हिल पर, अभी 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 आगे हमें यहाँ पर पहुँचे हैं, थोड़ा 5-10 मिनट घूमेंगे, उसके बाद वहाँ पर ऊपर भी मंदिर है तो वहाँ भी जाएंगे। तो पीछे का व्यू तुम लोग देख सकते हो, देख सकते हो ये है महेंद्रगिरी का कुंती मंदिर। अब हम जाएंगे परशुराम जी के मंदिर, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, सब लोग घूम रहे हैं, हम भी थोड़ा घूम लेंगे। बहुत ठंड बहुत पड़ी है तो जाना पड़ेगा शायद हमें अभी, तो स्टे डाउन विद मी, मैं आगे आपको बताऊंगा कहाँ जाता हूँ क्या करता हूँ। भाई देख सकते हो नज़ारा आसमान के ऊपर है, यहाँ पर परशुराम जी की
मूर्ति हैं। तो देखो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मैं सुना हूँ, कहीं से सुना हूँ कि जब कलयुग ख़त्म होगा तब यहाँ से परशुराम जी निकलेंगे और निकल के लोगों के संहार करेंगे, ये सुना है। देखो होगा या नहीं तो हमें पता नहीं कि तुम्हें पता नहीं। आहा! जय शिव शंभो महेंद्र गिरी। शायद मैं कहीं गूगल में देखा था ये 1500 या 1400 साल के नहीं, और ये हमारे पार्टी हमारे दोस्त जिगरी झांटू तो आ रहे हैं। ये भाई हमें रास्ते पर मिले हैं, ये मेरा दोस्त हाय। देख सकते हो ये शिव जी के मंदिर, मतलब यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं वो सारे शिव जी के मंदिर हैं। बहुत सारे कहा जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। हम तो जा रहे हैं पूरे माउंटेन के टॉप, शायद अगर होगा तो जा पाएंगे, वहाँ पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे। हम तो अभी बादल के पीछे, सारा धुंधला धुंधला हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। महेंद्र गिरी जन्नत है यहाँ पर। ईस्टर्न घाट का सबसे बड़ा माउंटेन है, तो देख सकते हो हम बादलों के बीच है। देखो नीचे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें नहीं दिखाई दे रहा, कैमरा को क्या दिखाई दे रहा। यहाँ पर बहुत बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं भाई, क्या ही बोले, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बादलों के बीच है। दोस्त आ रहे, पूरा माहौल खराब है, आप लोग ब्लॉग में देख लेना। यू कैन सी दैट हमारी हालत खराब हो चुकी है हम सब की भाई, इतने टॉप में आ चुके हैं। देखो मेरे दोस्त क्या उनकी हालत हो चुकी है, वो बोल रहे हैं क्या और एनर्जी नहीं है आ जाने के लिए। मेरा भी एनर्जी बहुत बस हुआ है भाई साहब, और भी जाना है। हाँ ऐसी फीलिंग आ रही कि गांड फटे तो फटे लेकिन नफा भी ना घटे। कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, खुली आँख में नहीं दिख रहा है, आपको मोबाइल में घंटा दिखेगा। कुछ भी नहीं दिख रहा, बस मेजर कर लो 8-10 हज़ार फीट ऊपर तो होंगे ही। और ये बैठा चमन और वो दोनों चटक, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ईस्टर्न घाट महेंद्र गिरी, इट्स द पीक ऑफ द माउंटेन। आप लोग देख सकते हो यहाँ से तो कुछ भी दिख रहा नहीं, लेकिन अपने आप मेजर कर लेना कितने ऊपर है हम लोग। तो मस्ती सबकी बरकरार है, महेंद्र गिरी जय शिव शंभु। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं टूरिस्ट, देखो घूमने सबको है तो सब लोग आए हैं, मेरे दोस्त भी हैं। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है, कोई भला आदमी होगा जो ये काम किया है। भाई हमारी बारी, हम चलेंगे अंदर शिव जी का मंदिर है अंदर। अब देख सकते हो अगर थोड़ा दिन मैं थोड़ा अपना मेरा कैमरा संभाल लिया, ओके भैया। सो गाइस अब हम चलेंगे बाहर, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एक ही तो रोड है भाई, ट्राइपॉड संभाल लेना थोड़ा। शाबाश शाबाश डन। यार बहुत बहुत ही नैरो वाइड था यार। चलो अब अपने शू। सो गाइस महेंद्र गिरी का सफर हुआ समाप्त, अब हम जा रहे हैं नीचे।